रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10वें महीने में पहुंच गई है। आज यूक्रेन ने रूस के SU-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। एयरफोर्स ने अपने बयान में बताया कि माइक्रोलाइव स्थित 89वें एयर आस्टल ब्रिगेड के वायु सुरक्षा डिवीजन के एक सैनिक ने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि जैसे चीन हमारे देश में घुसा वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे, इस मुद्दे पर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 103 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 210 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 65,88,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 अलग अलग कथित ऑडियो टेप लीक हो गए हैं। ये 2 अलग अलग महिलाओं के हैं। बातचीत इतनी अश्लील है कि उसे यहाँ ना लिख रहे हैं ना ही सुना रहे हैं। पाकिस्तान के कई मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट ने इस ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अमेरिकी सांसद में राष्ट्रपति जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच $1.7 ट्रिलियन के पैकेज का सहमति बन गई है। इस फंड का इस्तेमाल सितंबर 2023 तक किया जा सकेगा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस राहत पैकेज की काफ़ी अहमियत है। भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा इंजरी से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। वे बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मिस करने के बाद दूसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं। मुंबई में अंगूठे की चोट का इलाज करवाने के बाद वे बांग्लादेश आकर टीम से जुड़ने वाले थे। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रजीम राजा को बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह नजम सेठी को बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 42 रुपए की तेजी के साथ 69,884 रुपए पर और सोना 43 रुपए की तेजी के साथ 54,898 रुपए पर देखा गया। इससे पहले सेशन में सोना 54,898 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,642 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 635 अंक लुढ़ककर 61,067 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 186 अंक गिरकर 18,199 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर की कंपनियों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली।